फाइनली गाइस हम लोग आ गए हैं लखनऊ में और हमारे साथ हैं बिलाल साहब। और अभी हम लोग कहाँ जाएंगे? एयरपोर्ट डबोसी एयरपोर्ट जाना है। तो किसे चलेंगे, मेट्रो से चलेंगे या फिर मेट्रो से जाएंगे? मेट्रो सीधा छोड़ यहाँ से कितने दूर है मेट्रो? बगल में यहाँ से निकलेंगे तो वहीं इतना निकलते हैं तो मिलते हैं वहीं पे। लेट्स गो। बोर्डिंग हो गई है और अभी जो है वेटिंग एरिया में हम लोग वेट कर रहे हैं। तो टाइम होने के बाद हम लोग वे निकलेंगे। सो मिलते हैं सीधा। वाई दे आर कॉलिंग मी? क्या क्वेश्चन कर रहा था चुती की तरह, मेरा आधा घंटा वहीं खा लिया। और फाइनली हम लोग सिक्योरिटी चेक पे आ गए हैं और ये सब चीज़ जो है इलेक्ट्रॉनिक निकालना पड़ता है। A few moments later. So guys, मेरे साथ जो है थोड़ा सा हो गया है गड़बड़ और इस वजह से मेरी फ्लाइट जो है मिस हो गई थी। बहुत ज़्यादा जो सिक्योरिटी चेक है उसमें काफ़ी भीड़ थी और मैं डेढ़ घंटे तक लाइन में गया, सिक्योरिटी में गया। सिक्योरिटी वाले आते थे जाते थे और ये इंडिगो वालों का होगा लखनऊ एयरपोर्ट का मुझे पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। यहाँ पे भी स्पीकर है, मैं एयरपोर्ट के अंदर ही हूँ लेकिन आपको कहीं भी स्पीकरों की आवाज़ कुछ भी अनाउंसमेंट ऐसा कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ये लोगों के पास एक छोटा छोटा मैक होता है जिससे ये लोग छोटा मोटा अनाउंस करते हैं। हालाँकि मेरे पास बोर्डिंग कार्ड भी था, हालाँकि मेरी लगेज भी वहाँ चली गई थी और सारा कुछ होने के बाद मैं कस्टम में था। मैं वहाँ भी बोला हूँ कि यार फ्लाइट मेरी मिस हो जाएगी, मुझे चले जाने दो। कभी बैठ रहे थे कभी नहीं बैठ रहे, ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा रश था। सो इस मेरी नहीं, कई लोगों को जो है फ्लाइट जो है मिस हो गई है। तो अभी मैं रिशेड्यूल कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये लोग 8 बजे का टाइम दिए हैं, अभी 7:30 हो गए हैं, सुबह से ही बैठा हूँ। ऑलमोस्ट 12 बजे एंट्री किया तब से बैठा हूँ। और ग्रीन वाली फ़्लाइट है वो कल अगर यहाँ पर दे देते हैं तो रिशेड्यूल वो भी हो जाएगी। तो अभी बस यही प्रे कर रहे हैं कि हो जाए। ये भी हमारे साथ हैं, इनका भी कितने मिनट लेट हुआ आपका? हमको 3 बजे पहुँचे, साले हमको जाने ही नहीं दिए। मतलब इनका भी फ्लाइट उसी तरह छूटा है। इनसे कितने का डिमांड किया? 2500? हाँ, 2500 रुपये का टिकट है। वो भी अवेलेबल होगा तो हाँ सीट, नहीं तो टिकट अवेलेबल हो तो हो गई हो जाएगा आपको। बेंगलोर में नहीं दिया साला। चले, मेरा यही कहना है कि जब भी आप टिकट्स वगैरह जब भी ट्रेवलिंग करें तो जैसे ही टिकट पाएँ अपने सिक्योरिटी चेक के लिए सीधा निकलें, कहीं वेट ना करें इधर उधर कोई मतलब किसी बात नहीं, सीधा डायरेक्टली अपना बोर्डिंग पास देखें। मुझे ये हो गया तो मुझे थोड़ा सा कस्टम में बुला लिया गया था और एज ए इंक्वायरी के लिए कि क्या करने के लिए जा रहा हो, क्या क्या नहीं। तो रेंडमली उठाते हैं लोग यहाँ पर, तो ऐसा हुआ था। बट वहाँ मेरा आधा घंटा लॉस हो गया, फिर मेरे कम से कम 1 घंटे कुछ मिनट जो है कस्टम में लॉस हो गया। वेरी बैड लक फॉर मी, बट चले जो ऊपर वाले को मंजूर होता वही होता। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो फाइनली गाइस, इंडिगो वाले ने टिकट मेरा फिर रीशेड्यूल किया है और मैं फाइनली अब मुंबई जाने के लिए रेडी हूँ और मैं वेट कर रहा हूँ। जैसे ही गेट खुले फिर मैं चला जाऊँगा। आ चुके हैं मुंबई के एयरपोर्ट पे टर्मिनल 2 और हम लोग अपने लगेज का वेट कर रहे हैं। लगेज यहाँ पर मिलने वाला है। ये रहा मुंबई का एयरपोर्ट, काफ़ी खूबसूरत। और मैं ऑलमोस्ट 13 साल के बाद मतलब मैं मुंबई में एंट्री किया हूँ और एक दिन बिताने वाला हूँ मुंबई
काफ़ी खूबसूरत बनाया है एयरपोर्ट, और देखिए काफ़ी अच्छा लगा। और फाइनली अपना लगेज आ गया, मैंने कैरी कर लिया है। कल की जो जर्नी है वो हम लोग शुरू करेंगे। कल जो मेरी टिकट है वो है 3 बजे, मुझे एंट्री करना है यहाँ पे, और फिर यहाँ से सीधा बहरीन हम लोग चलेंगे, आपको सारी जर्नी दिखाएंगे। तो आज मेरे लिए वेरी बैड लैक, तो देखते हैं अभी कल क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। बाय बाय।